देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। मथुरा आदर्श नगर मोहली रोड की रहने वाली अंजू कुंतल पति धीरेंद्र कुंतल व दो बेटे एक बेटी के साथ हाउसवाइफ के रूप में घर का पूरा काम संभालती हैं। इसके बावजूद भी अंजू कुंतल ने मथुरा में सनिगमा फैशन शो ऑडिशन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई। और इसी दौरान अंजू कुंतल 25 नवंबर को राजस्थान के उदयपुर शहर में 40 लड़कियों के साथ सनिगमा फैशन शो के फिनाले ऑडिशन में भाग लिया, जिसमें अंजू कुंतल को ब्रज सुंदरी के खिताब से नवाजा गया। अंजू कुंतल द्वारा बताया गया कि अंजू कुंतल ने अपने परिवार मथुरा जिले का नाम रोशन किया है और लोगों को संदेश देते हुए कहा है कि कुछ लोग हाउसवाइफ को आगे बढ़ने से रोकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हाउसवाइफ किसी भी चीज़ में कम नहीं होती हैं, बट फिर भी उन्हें कम आंका जाता है कि क्या है हाउसवाइफ है। किसी जॉब वाली से, किसी वर्क वाली से बात करो तो वो बोलती हैं क्या यार आप हाउसवाइफ हो, सारा दिन लगी रहती होंगी घर में, किचन में, बच्चों में, या ऐसा ही होता है। जब तक हम वर्क वूमेन नहीं होते हैं सब लोग हमें कम आंकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं एक मॉडल हूँ, एक एक्ट्रेस हूँ और एक विनर भी हूँ। हमारे शहर मथुरा में कुछ दिन पहले एनिग्मा फैशन वॉक का ऑडिशन हुआ था, जिसमें मैंने ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गई थी। और मैंने मथुरा से उदयपुर तक का सफ़र तय किया 24 नवंबर 2018 और 25 नवंबर फिनाले में मैं 40 लड़कियों के बीच में विनर बन के आज आपके सामने खड़ी हूँ। मेरे सर पे ये ताज है जो मुझे एनिग्मा फैशन वर्क से मिला है और मुझे एक ट्रॉफ़ी भी मिली है, जो आप देख सकते हो कि ये ट्रॉफ़ी मुझे एनिग्मा फैशन वर्क से मिली है और मैंने बहुत मेहनत की। मैं बहुत खुश हूँ आज कि मेरी मेहनत सफल हुई, मैं अपने मथुरा के लिए कुछ टाइटल लेके आई, ट्रॉफी लेके आई और मैंने अपने परिवार का, अपने मथुरा का नाम रोशन किया। और अपनी उम्मीद कम कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाउसवाइफ होने के बावजूद भी जो नाम अंजू कुंतल ने रोशन किया है, उसी प्रकार हर हाउसवाइफ इस मुकाम पर पहुँच सकती है। मथुरा से संवाददाता खन्ना सैनी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ।